ओके भाई लोग, सो आज नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज रिलीज की गई थी जिसमें आपको काइंड ऑफ कह सकते हो कि मर्डर मिस्ट्री ड्रामा वाली चीजें देखने को मिलती हैं, जिसका नाम था ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। एंड फाइनली भाई मैंने इसको देख के खत्म कर दिया है, जिसको देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, केवल 6 ही एपिसोड देखने हैं। एंड की लेंथ वही आपको 40 से 45 मिनट के बीच में देखने को मिलती है। एंड सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है कि सीरीज आपको हिंदी डब में देखने को मिलती है, एंड इसकी भाई हिंदी डबिंग काफी ज्यादा बढ़िया की गई। लेकिन हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि सीरीज को अपनी फैमिली के साथ मत देखना, क्योंकि इसमें आपको इक्के दुक्के एडल्ट सीन देखने को मिले गए। तो इन केस भाई अगर आप जानना चाहते हो इन चीजों को हटा करके एक्चुअली में इस सीरीज का माल कैसा है एंड क्या आपका टाइम और अटेंशन डिजर्व करती है, तो आपसे रिक्वेस्ट आएगी कि भाई साइड डिस्कवर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि भाई इस सीरीज में अपनी वेनेसडे की एमा मायर्स देखने को मिलती है। याद है ना। देखो अगर सीधे मुद्दे की बात करें कि एक्चुअली ये सीरीज आपको दिखाती क्या है बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, तो देखो इस सीरीज में आपको कहानी देखने को मिलेगी एक लड़की की जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक 5 साल पहले हुए मर्डर को सॉल्व करना शुरू करती है। मतलब भाई एक टाउन था जहां पर एक लड़की थी जो कि सडनली गायब हो जाती है, एंड उसके साथ साथ सैल नाम का एक लड़का था, सैल सिंह नाम का, वो भी गायब हो जाता है। एंड देन उस टाउन के लोग कहना शुरू करते हैं कि भाई लड़के ने लड़की को मार दिया, एंड उसके बाद वो खुद भी अपने आप को मार के कहीं अपनी बॉडी को समझो ना गायब कर दिया। तो इनकी जो चीजें हुई हैं उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, एंड जो पिप नाम की लड़की है वो 5 साल बाद क्यों इनके केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती, किसके साथ मिल करके इन्वेस्टिगेट करेगी, एंड भाई साथ ही साथ जो दोनों लोग मरे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, आई मीन वो कैसे थे, यही सब जानने के लिए आपको इस शो को देखना पड़ेगा। अब देखो भाई अगर सीरीज की बात करो तो मुझे इतना तो पता है कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज वगैरह होगे तो आपने नेटफ्लिक्स की बहुत सारी मर्डर मिस्ट्री पर बनी हुई वेब सीरीज वगैरह देखी होंगी, जिसमें आपने कुछ मास्टर पीस देखे होंगे तो कुछ काम चलाओ टाइप की देखी होंगी, ओके टाइप की। अगर इस सीरीज को मैं ओवरऑल डिफाइन करते हुए आपके लिए कमेंट करूं तो बस मैं इतना बोलूंगा कि भाई ये जो सीरीज है एक्चुअली कोई मास्टरपीस सीरीज नहीं है, ये आप नेटफ्लिक्स की वही ओके टाइप की सीरीज जो कैटेगरी है उसमें डाल सकते हो। मतलब अगर आप इस सीरीज को देखने जाते हो तो ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम पास कर देगी, एंड जो इसकी मिस्ट्री सस्पेंस है वो कहीं ना कहीं आपको इंगेज करके रखेगी। मतलब ओके टाइप की है बट चीजें जो है वो खराब नहीं, वो आपको देखने पर इंगेज करके अपने साथ रखती है, समझ गए ना, टाइम पास टाइप की, गुड टू वॉच। एक्चुअली अगर मेरी बात करें तो सीरीज में जो मिस्ट्री देखने को मिली या फिर जो अपनी लड़की रहती है पिप जिस हिसाब से चीजों को इन्वेस्टिगेट करती है जिसका मर्डर हुआ उसके भाई के साथ मिल करके, एंड जैसे जैसे उन लोगों के बारे में धीरे धीरे चीजें रिवील होती जाती, कहीं ना कहीं इसकी मिस्ट्री सस्पेंस में इन्वॉल्व था, इसकी जो मिस्ट्री थी मुझे काफी इंगेज लगी, एंड उसमें आपको डिसेंट थ्रिल टेंशन एक्साइटमेंट देखने को मिल जाता। सीरीज में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया गया, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उनको डेवलप किया गया, आप उनकी पर्सनालिटी से कनेक्ट करोगे। कि भाई कहानी में आपको डिसेंट ट्विस्ट टर्न्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ट्विस्ट टर्न्स नहीं है, एंड इन केस अगर आप नेक्स्ट लेवल के प्रो ऑडियंस होगे तो इसकी जो मेन कहानी का विलन है उसको शायद आप पहले ही गेस कर लोगे, आई थिंक 4th या 5th एपिसोड। सेकंड हाफ में जो चीजें हैं वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल टाइप की फील होंगी, स्पेशली प्रो ऑडियंस एक्टर वगैरह की जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली जो अपने इंडियन एक्टर देखने को मिलती है उनकी हुआ या फिर जो एमा है अपनी उसकी जो परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी लगी। सीरीज की भाई प्रोडक्शन वगैरह काफी ज्यादा कमाल है, स्पेशली जो एपिसोड 2 में एक सॉन्ग सुनने को मिलता है इंग्लिश भाई, वो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ लगा मुझे। मतलब जो सॉन्ग्स वगैरह इसमें यूज किए गए हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया। बाकी नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं, मैं आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपके पास कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं है, आप एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हो, आई मीन एक ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हो जिसमें आपको मर्डर मिस्ट्री का कॉन्सेप्ट देखने को मिले, हु डन इट का कॉन्सेप्ट देखने को मिले, देन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, अपने टाइम पास के लिए आप इस सीरीज को एक ट्राई दे सकते हो। बाकी मेरी बात करें तो कहीं ना कहीं मेरी सीरीज की जो मिस्ट्री है वो काफी अच्छी लगी, इंगेजिंग लगी, इसलिए मैं सीरीज को ओवरऑल जज करते रहूंगा 7/10 स्टार। अगर आपने देखा है तो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, मेरी वीडियो काम करेगा तो वीडियो को लाइक करना। बाकी स्क्विड गेम का जो अनाउंसमेंट हुआ उसका रिएक्शन मैंने यहाँ पर डाल दिया, इस वीडियो को चेक। मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।